अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, ये आज की वीडियो स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये नहीं समझ आती कि बॉक्स ट्रक की डायमेंशंस कैसे मेजर करनी है या बॉक्स ट्रक में पैलेट्स कितने आएंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं ना व्हाट्सएप पर समझा करके बिल्कुल तंग आ जाता हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो स्पेशली अपने उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि बॉक्स ट्रक में मतलब इसकी डायमेंशंस की उनको समझ नहीं आ रही होती। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि एक तो बॉक्स ट्रक के साथ ज़रूर शुरू में काम करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक फुट में 12 इंचज़ होते हैं। ठीक है, एक फुट में 12 इंचज़ होते हैं। और अगर हम 26 फीट बॉक्स ट्रक की बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है 26 फीट इसको कहा इसीलिए जाता है कि इसकी लेंथ 26 फीट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर इंचेस में बात करें तो 312 इंचेस इसमें बनती हैं। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई बाई 12, एक फुट में 12 हैं तो सिंपली 312 इंचेस, 312। इसी तरह अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी 8 फुट या 96 इंचेस इसकी विड्थ होती है। और अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ पैलेट की बात करें तो एक स्टैंडर्ड साइज़ पैलेट जो है वो 48 बाय 48 का होता है और इसकी हाइट भी 48 होती है, यानी कि इसकी लेंथ भी 48 इंचेस है और इसकी विड्थ भी 48 इंचेस और इसकी हाइट भी 48 इंचेस में होती है। तो 48 का मतलब क्या है कि 4 फुट। ठीक है, अब जो बॉक्स ट्रक की विड्थ है वो 8 फुट है, यानी कि 96 इंचेस में है। तो एक अगर पैलेट 4 फुट का है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पैरेलल आप अगर इसको रखना चाहें तो आप इजीली 2 पैलेट्स इसमें रख सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, और अगर लेंथ वाइज बात करें तो कितने आ जाएंगे, सिंपली 312 को डिवाइड कर दें 48 के साथ तो ये आपके 6.5 बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि अब ये 2 रोज़ हैं। अब ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, एक यानी कि एरो की लेफ़्ट साइड वाली रो है, एक राइट साइड वाली रो है। तो यानी कि 6 पैलेट्स एक साइड पर आ जाएंगे, 6 पैलेट्स दूसरी साइड। ये 6.5 बनते हैं, यानी कि 2 फुट की जगह इसमें बच जाएगी। लेकिन जारी बात है वो 2 फुट की जगह पर तो आप पैलेट नहीं रख सकते और वैसे भी इनमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है तो वो फुल ट्रक आपका कवर हो जाता है। तो ये 12 पैलेट्स एक 26 फीट बॉक्स ट्रक में आ सकते हैं। अगर वो 16 फीट बॉक्स ट्रक है तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन उस हिसाब से होगी, उसमें तकरीबन 8 बनते हैं। लेकिन असल में इसमें मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि इनकी वेट कैपेसिटी, जो नॉर्मल बॉक्स ट्रक हैं उनकी वेट कैपेसिटी है 10,000 LBS। तो अब एक पैलेट रफली कई दफ़ा 1500 पाउंड या 2000 LBS इतना होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपने एक तो वेट का भी ख्याल करना है कि वेट भी एक्सीड ना हो, दूसरा पैलेट्स भी रखने हैं। अगर सबका मतलब स्टैंडर्ड साइज़ पैलेट हैं और उनका वेट अंडर 10,000 है तो इसका मतलब ये है कि आप 12 पैलेट्स इसमें रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 12 पैलेट्स वेट की वजह से नहीं हम रखते, ठीक है, क्योंकि वेट एक्सीड कर रहा होता है। और सेम गोज़ फॉर द कार्गो वैन। जो कार्गो वैन है, इनकी कार्गो वैन और स्प्रिंटर वैन की वेट और लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे पास है, मैं जिसको यूज़ करता हूँ। उसकी लेंथ जो है वो 13 फीट है, यानी कि 156 इंचेस बन जाती है और उसकी जो विड्थ है वो 52 इंचेस है। तो ये तकरीबन 4 फीट और 4 इंचेस बन जाती है। ठीक है, 4.4 बन जाती है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको पता है कि एक पैलेट जो है वो 48 इंचेस का है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप पैरेलल में 2 पैलेट्स नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है कि एक पैलेट ही एक रो में आएगा। तो जब एक पैलेट एक रो में आएगा और इसको सिंपली आप इस लेंथ के साथ डिवाइड करेंगे तो टोटल इसमें कार्गो वैन में जो 13 फुट की होगी 52 विड्थ के साथ, 52 इंचेस विड्थ के साथ, तो इसमें आपके सिर्फ 3 पैलेट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है इसके वेट के ऊपर भी, यानी अगर वेट ज़्यादा है तो फिर 3 भी नहीं आप रख सकोगे और अगर स्टैंडर्ड साइज़ हैं, वेट बेशक कम भी हो, तो 3 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो ये मैंने कोशिश की है कि आसानी के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, समझना है। अगर आपको तो ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।